उसी रोड पर 50 किलोमीटर हम हिंदुस्तान की पहली बस शुरू कर रहे हैं, बस सर्विस जो इलेक्ट्रिक बस होगी पर केबल नहीं होगी ऊपर, तो टाटा की बस होगी जो स्कोडा कंपनी के साथ उनका जॉइंट वेंचर मैंने कर दिया। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, जकोस्लाविया गया था और टाटा के एमडी को उनके पास भेज के उनका जॉइंट वेंचर किया और जापान के हिटाची कंपनी को टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके दिया और पहला प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हो रहा है। ये नागपुर के रिंग रोड पर ये 50 किलोमीटर बस घूमने वाली है जो बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 18 मीटर की है, यानी 3 बसेस छोड़कर और 2 बसेस या 3 बसेस होगी ऊपर से बस स्टॉप पर नीचे में आएगी और 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, फिर ऊपर चले जाएगी और बस 40 किलोमीटर चलेगी। तो उसकी कॉस्ट टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, लैपटॉप सामने होगा और हवाई जहाज जैसा चाय नाश्ता भी बस में मिलेगा। तो ये मॉडल पक्का हुआ, पहला पायलट प्रोजेक्ट फाइनल हुआ और नागपुर में इसकी शुरुआत हो रही। बिल्कुल उसी के सामने बस स्टॉप है जहाँ से ये बस रिंग रोड पर घूमेगी और ये जो बस वहाँ से जो मार्केट खड़ा हो रहा है, ये हम लोग जो किसान वर्ल्ड का बेस्ट मार्केट, अच्छे एयर कंडीशन मार्केट है और वो मार्केट में करीब हमारे विदर्भ के किसान फ्रूट वेजिटेबल के साथ दो सेक्शन होंगे, एक प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में तैयार किया हुआ फूड ग्रेन्स गेहूँ चावल बाकी दाल सब होगी और दूसरी ओर फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे। हर चीज पैक होगी, क्लीन होगी, वहाँ वजन की व्यवस्था होगी इलेक्ट्रॉनिक की, पर ये माल किसान ही अपना माल बेचेगा यानी दलाल नहीं होगा, उसका नाम ऊपर लगा रहेगा कि किसका माल है और जो बेचेगा उधर भी उसका होगा। और ये जो हमारी बिल्डिंग है इसमें कपास की लेबोरेटरी है, मिट्टी की लेबोरेटरी है, वैसे ऑर्गेनिक और नैसर्गिक खेती के बारे में सर्टिफाई करने वाली भी लेबोरेटरी है कि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर और कुछ यूज़ नहीं किया गया और वो माल डायरेक्ट ग्राहक खरीदी करेंगे उनसे। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, साधारणतः मुझे पता नहीं पर हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल और फूड ग्रेन का देश का सबसे बड़ा मार्केट होगा और जिसमें किसान खुद अपनी चीज़ें बेचेगा और वहीं से वो बस में बैठकर हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के तरफ से उन्हीं की जगह पर वही मालिक है, हम केवल फैसिलेटर है। तो वहाँ हम लोग देश का पहला एग्रो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।